राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल कन्वर्टर। सो दोस्तों, अभी मैं आपको फेसबुक में जो करेंटली अपडेट हुए हैं उन सारी बातों को शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो अपडेट्स हैं इनको जान करके आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे, क्योंकि मैं फेसबुक से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। सो ये आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव होती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो दोस्तों नीचे आपको इंस्टाग्राम का बटन मिल जाएगा, वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस पड़े हैं, बट दोस्तों सबका मैं रिप्लाई करता हूँ, सबके मैं मैसेजेस देखता हूँ, तो दोस्तों थोड़ा सा लेट होगा बट आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी यहाँ पर नई अपडेट क्या है, ठीक है, पहला अपडेट क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन पर जा करके दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले यहाँ पर जो एक्शन रिक्वायर्ड ऐसा करके कोई बटन नहीं आता था, ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये वाला बटन भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टार्ट सेटअप। ठीक है, डायरेक्टली आपको फेसबुक फॉर क्रिएटर वाले पेज में नहीं जाना है, डायरेक्टली आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, इंस्टीम ऐड के लिए डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर सकते हो जब आपका पेज फुलफिल हो जाता है। ठीक है, पेज एलिजिबल हो जाता है, इसके बाद आपको यहीं पर ये बटन देखने को मिलेगा एंड यहीं से आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत सारे लोग उस पेज में नहीं पहुंच पाते, तो वहां से ये सेक्शन हटा करके यहां पर ऐड कर दिया कि डायरेक्टली आपको जो भी काम करना है आप क्रिएटिव स्टूडियो से कर सकते हो। सो दोस्तों, यहां पे नीचे आएंगे तो ये तो पहले की तरह ही है, इनस्टीम ऐड के नीचे गेट स्टार्ट का बटन आ जाता है, तो दोस्तों ये तो पहले की तरह ही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट दोस्तों और क्या चेंज हुआ है, अब दोस्तों जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता था या फिर आपने अपने पेज पे वीडियो डाला, ठीक है, अपने पेज पे वीडियो डाला तो दो दिन के बाद अपडेट होता था। यहाँ पे व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे आप जाओ, क्राइटेरिया देखो किसी भी पेज का, तो दो दिन के बाद उसका अपडेट होता था। दो दिन के बाद आपको पता लगता था कि मेरा जो ये यहाँ पर दोस्तों ये क्राइटेरिया है, ठीक है, ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो 26 जुलाई, ठीक है, ये डेट चेंज होती थी, फिर अपडेट होता था, फिर आपका यहाँ पे शो होता था। बट दोस्त अभी क्या हुआ है, अभी अपडेट में आपका जैसे कि अभी टाइम कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी आपका टाइम कंप्लीट हुआ तो ये अभी फुल हो जाएगा, ठीक है, अभी आपके फॉलोवर कंप्लीट हुए तो ये अभी फुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो दिन वेट करना होगा अपडेट आएगा, ठीक है, मतलब कि ये फेसबुक पेज अपडेट होगा तब जा करके आपका ये क्राइटेरिया अगले दिन या दो दिन के बाद फुलफिल दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर जो ऑन टाइम, मतलब कि ऑन टाइम आपका अपडेट होता रहता है, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है अपडेटेड डेली। तो अभी आपका अगर अभी आपके फॉलोवर कम्प्लीट हो जाए तो अभी आपके फॉलोवर का ये जो 7% ये पूरा हो जाएगा, अभी आपका 1 मिनट व्यू कम्प्लीट हो जाए तो ये 38% पूरा 100% में बदल जाएगा। सो ये बहुत प्लस पॉइंट है दोस्तों, ये दोस्तों मैं सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बस ऊपरी ऊपरी बातें कर रहा हूँ। जो ये वाला पेज देख रहे हो, ठीक है, ये भी एक फ्रेंड का है, इसका कल रात में पूरा 100% हो गया, तो कल रात में ही इसका यहाँ पे सेटअप का बटन आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपका भी अगर अभी फुलफिल हो जाए तो अभी यहाँ पे सेटअप का बटन आ जाएगा, गेट स्टार्ट का बटन आ जाएगा, आपको दो दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। आज आपका अभी आपका ये यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ तो आप अभी अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको अगर क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है तो आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों प्लस पॉइंट क्या, आप जब यहाँ पे कॉन्टेंट लाइब्रेरी में जाओगे, जो आपने दोस्तों अभी थंबनेल भी देखा होगा, दोस्तों यहाँ पे आप टिक पे क्लिक करते हैं एंड एडिट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे एड्स के लिए पूछा जाता है, तो अभी ये वाला पेज मोनेटाइज भी नहीं हुआ है तो, लेकिन यहाँ पे इनस्टीम का बटन आ गया, एनेबल इन स्टीम एड्स, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा करके कुछ शो हो रहा था जो बहुत अमेजिंग लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिया। सो दोस्तों ऐसा भी है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली, अभी आपको अगर आपने नहीं देखा कि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जब आओगे तो आपको यहाँ पर बटन दिखेगा, तो आप यहाँ से भी अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये वाले मोड, ये दोस्तों बहुत न्यू अपडेट थे जो मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको बताए। सो दोस्तों और क्या अपडेट्स हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे इनस्टीम ऐड का पहले कोई बटन नहीं आता था, आता था तो इस तरीके से नहीं आता था, तो यहाँ पर अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है अप्लाई नाउ, ठीक है, तो यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो दोस्तों अभी मैं दो पेज ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मोनेटाइज हैं, एंड जिस पे एंड ऐसा ही भी एक पेज जो अभी मोनेटाइज उसका बंद हो रखा है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड जैसे बोलते हैं वो हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन पेज सिलेक्ट किए, व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो बीच वाला पेज है इसका जो डॉलर है, ठीक है, ये ग्रीन है, ठीक है, मतलब कि इस पेज का जो
अभी अर्निंग है वो चालू है, इनस्टीम ऐड जो है वो अभी चालू है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड फॉलोवर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं। एंड जो नीचे वाला आप देख पा रहे हो डॉलर टिक्का निशान, यहाँ पे कट हुआ है, मतलब कि इसका जो मोनेटाइजेशन है वो करंटली मतलब अभी के टाइम में बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब भी ये यहाँ पे ग्रीन होगा या फिर मतलब येलो हो जाएगा तो इसका मतलब ये एलिजिबल कहलाएगा एंड यहाँ पर फिर अर्निंग चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट वाला डॉलर का मार्क देख रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अप्लाई करना है। एंड सेकेंड वाले का मोनेटाइज हो गया, थर्ड वाले का मोनेटाइज होने के बाद बंद हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों डॉलर्स में आने आपको शो करा दिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी मतलब बहुत अच्छी चल रही हैं, ठीक है। एंड अभी अब आप कोई पोस्ट डालोगे, ठीक है, तो दोस्त कोशिश करना आपकी पोस्ट जितना छोटी हो ना उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना छोटा पोस्ट डालोगे, जितने कम मिनट की पोस्ट डालोगे उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो चलेगी दोस्त। पता है क्यों क्यों चलेगी? क्योंकि दोस्त आप अगर अपनी पेज पर छोटे मतलब छोटी पोस्ट डालोगे, मतलब के 2 मिनट की, 3 मिनट की या 4 मिनट की, तो ये ज़्यादा चलेंगी, और 1 मिनट वाली तो बहुत ज़्यादा चलेगी। अगर आपकी वो वायरल हो गई तो, ट्रेंडिंग में आ गई तो बहुत ज़्यादा चलेगी दोस्त। आप ऐसा ही करो, छोटी जितना मतलब जितना कम टाइम का पोस्ट डाल सकते हो उतना कम टाइम का डालो, क्योंकि ये वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म थे दोस्तों, अब कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। कोई भी बंदा किसी भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे, वीडियो प्लेटफॉर्म पे जो 1 मिनट की वीडियो डालते थे उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अभी जाकर के क्रिएटर वहाँ पर वीडियो बना ही नहीं रहे, तो वो लोग कहाँ भागेंगे, कहाँ आएंगे, ठीक है। वो आएंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम ने जैसे रील्स यूज़ किया है, रील्स लॉन्च किया है, ठीक है, एंड फेसबुक में तो ऑलरेडी है ही, 1 मिनट का वीडियो भी अब मोनेटाइज हो रहा है। सो ऐसे ही अब ये लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, दब करके आएंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में आएंगे। तो आपके पास अभी पेज हैं, फॉलोवर्स हैं, ठीक है, एंड आप क्रिएटर हो तो दोस्तों 1 मिनट की वीडियो बना करके डालना चालू कर दो, आपका जो पेज है वो दुगनी तिगनी चौगनी 10 गुनी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका पेज ट्रेंडिंग में आ गया तो, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी अच्छी दोस्तों ये बातें हैं जो आप लोगों से आज मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को अपने पेज पे इम्प्लीमेंट करते हो एंड दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जो अपडेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एंड जैसे जैसे कोई और अपडेट आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। एंड दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाने से न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।